बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अगर इंग्लिश में मैसेज कर दिया जाता है तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि हमको पास जो मैसेज किया है उसको हम रीड कैसे करेंगे, या आपको कोई भी भाषा में अगर आपको मैसेज कर देता है तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि जो हमको मैसेज किया है हमको ये लैंग्वेज आती नहीं है, हम कैसे उसको रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से आपको कोई भी भाषा में अगर मैसेज करता है तो आप बहुत ही ईजी से बहुत ही आसानी से आप उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे बहुत ही आसानी से। चाहे आपको कोई भी भाषा में वो भेजता है मैसेज, आपको बहुत ही ईजी तरीक़ा से आपको जो भी भाषा में पढ़ना आता है आप बहुत ही ईजी तरीक़ा से बहुत ही आसानी से आप उस भाषा में पढ़ सकते हैं जो भाषा में आपको पढ़ना आता है, चाहे वो पर्सन कोई भाषा में आपको मैसेज करता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अगर कोई भेजता है आपको मैसेज तो उसको आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन पे बहुत ही आसानी से उसको कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं, या आपको प्ले स्टोरी से स्नैपड्रैगन को डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पावरफुल ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह डाउनलोड 1 मिलियन प्लस में है, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा और कितना शानदार यह एप्लीकेशन होगा। और इसका रेटिंग भी देख रहे हैं 4.2 का है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ओपन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि गेट स्टार्ट है। आपको क्या करना है, पहले गेट स्टार्ट करके इसको आपको क्या करना है, पहले स्टार्ट कर लेना है, चालू कर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑफ़ का ऑप्शन है। पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग कर लेना है। तो सेटिंग करने के लिए यहाँ सेटिंग वाले पर क्लिक करेंगे। तो सेटिंग वाले पे क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे स्नैपड्रैगन का ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑफ है। पहले क्या करना है, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको परमिशन दे के पहले इसको ऑन कर लेना है। बैक आएंगे, बैक आने के बाद कुछ सेटिंग आपको और करना है। यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर सेटिंग है, यही सेटिंग को आपको क्या करना है, परमिशन देना है, इसको ऑन कर लेना है। बैक आएंगे, यहाँ पर देखिए कि आपका जो है ये यहाँ पे ऑन हो चुका है। इस तरीके से पहले आपको कुछ सेटिंग करके इसको ऑन कर लेना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर फ्रेंड्स लैंग्वेज है और यहाँ पर माई लैंग्वेज। जैसे अगर आपको कोई भी पर्सन मैसेज करता है आपको कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको हिंदी में सेलेक्ट करता है और आपको इंग्लिश पढ़ना है तो यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे सेट कर लेंगे। अगर आपको कोई इंग्लिश में सेलेक्ट करता है, आपको कोई इंग्लिश में मैसेज करता है तो यहाँ पे कर लेंगे। अगर आपको बंगला, उड़िया, उर्दू, जो भी भाषा दुनिया के जो भी भाषा हो, आपको यहाँ फ्रेंड्स लैंग्वेज में जाके यहाँ पे आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं दुनिया भर के सारे लैंग्वेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए गुजराती, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, कन्नड़, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, अरबी, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ढेर सारा है देख रहे हैं लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज में आपको मैसेज, इसमें से आपको देख रहे हैं इतना सारा लैंग्वेज है, इसमें से कोई भी लैंग्वेज में आपको मैसेज करता है तो आप बहुत ही ईजिली तरीक़े से आप उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आपको ये मैसेज पढ़ाने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ये लैंग्वेज में मैसेज किया तो अब हम पढ़ेंगे कैसे और उसको रीड करेंगे कैसे। अगर आपको मान के चलिए कि आपको यहाँ पे तमिल भाषा में कर दिया तो यहाँ तमिल सेट करेंगे। आप कौन सी भाषा आपको समझ में आती है वो आपको माय लैंग्वेज में जाएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें भी आपको वही सेम आपको यहाँ पर लैंग्वेज मिल जाता है। तो अब इसमें से आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है वो आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना। जैसे अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदी का ऑप्शन है, हिंदी वाले पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए हिंदी आ चुका है। अगर आपके पास
कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी पर्सन आपको मैसेज करता है तमिल भाषा में, तो वो आप यहाँ पे हिंदी में जाके उसको बहुत ही इजीली तरीक़ा से उसको आप रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे अगर आपके पास कोई भी पर्सन मैसेज करता है इंग्लिश में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लैंग्वेज है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, पहले आपको इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन है, यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको कौन सी भाषा में पढ़नी है वो भाषा माई लैंग्वेज में जाएंगे, और इसमें से आपको कौन सी भाषा में पढ़नी है वो भाषा आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमको अगर हिंदी में पढ़नी है तो हम यहाँ हिंदी में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से जो भी भाषा आपको समझ में आती है वो भाषा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको जो भी भाषा आती है वो भाषा आपको सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे हमको हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ पे मैं हिंदी वाले पे क्लिक करूँगा। अगर आपको कोई भी पर्सन इंग्लिश में मैसेज करता है तो वो आप हिंदी में बहुत ही आसानी से उसको रीड कर सकते हैं। आप कैसे रीड करेंगे चलिए हम आपको बता देते हैं प्रैक्टिकली करके। इसके लिए हम जाएंगे व्हाट्सअप में। जैसे हम व्हाट्सअप में जाते हैं तो हमें कोई भी मैसेज किया रहता है या हम किसी को करेंगे तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे मेरे कुछ जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊँगा कि इसको आप हिंदी में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्नैप ट्रेंड्स का ऑप्शन आ चुका है। अब जहाँ भी इंग्लिश लिख रखा है उस पर हमें ले जाकर इसको क्या करना है छोड़ देना है। इस तरीके से हम उठाएँगे और यहाँ पर देखिए हम ले जाएँगे, और इसको ले जाने के बाद हमको क्या करना है इस पर हमको इसको छोड़ देना है। इसे इस पर आप छोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो है इंग्लिश में इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए फिर नीचे में लाता हूँ इस तरीके से कर्सर को पकड़ के, और यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ तो यहाँ पर देखिए कि जो इंग्लिश लिखा हुआ था वो हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से आपको कितना भी बड़ा शब्द हो या कितना भी छोटा शब्द हो उसको बहुत ही आसानी से आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से लैंग्वेज में जो लैंग्वेज में आपको आती है वो लैंग्वेज में आप उसको रीड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाता हूँ, यहाँ पर देखिए कि मेरा नीचे जो लिख रखा है छोटा सा शब्द है मैं यहाँ पर इसको छोड़ा हूँ, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है इंग्लिश था वो उसको हिंदी कर चुका है। इस तरीके से आपको जो भी आपको मैसेज करता है इसको ला के यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके छोड़ देंगे। आप यहाँ पर देखिए उसको जो भी लैंग्वेज में आपको मैसेज करेगा, जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, बस वहाँ पे जाना है, सेटिंग करना है, और इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से उस लैंग्वेज को रीड कर लेना है। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कोई भी लैंग्वेज में आपको मैसेज करता है वो यहाँ पे फ्रेंड्स लैंग्वेज में जाएंगे। अगर आपको कोई भी मैसेज करता है इस भाषा में, बस वो भाषा यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी भाषा में आपको पढ़नी है माय लैंग्वेज में जाएंगे, और माय लैंग्वेज में जाने के बाद यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे अगर आपको फ्रेंच में पढ़नी है और इस तरीके से स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे, अगर आपको नेपाली पढ़नी है तो वो भाषा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और क्या करना है सिंपली बैक जाना है। बैक जाने के बाद वही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे ये एप्लीकेशन है स्नैप ट्रेंड से, इस पर लेके जाएंगे और कर्सर को इस पर ले जाकर इस तरीके से छोड़, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो भाषा है वो आपको यहाँ पे नेपाली भाषा जो है नेपाली भाषा में ये कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ कर्सर उठा के लेके आएंगे नीचे वाले पे, इस तरीके से इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए कि ये जो भाषा है वो पहले इंग्लिश में था, अब ये भाषा जो है नेपाली में कन्वर्ट हो चुका है। सो इस तरीके से गाइस बहुत ही आसानी से आपको जो भी भाषा में पढ़ना है वो भाषा को वहाँ पर आपको जाना है। बैक आएंगे, बैक आने के बाद क्या करना है कि ये वाला एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इस तरीके से सेटिंग में जाएंगे जैसे मैं बता दिया हूँ, जो भी भाषा में आपको मैसेज करता है वो भाषा इसमें सेलेक्ट करेंगे, जो भी भाषा में पढ़ना है वो भाषा इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, और बहुत ही आसानी से उस भाषा में आप उसको रीड कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी पर्सन कोई भाषा में मैसेज हमको भेजता है उसको हम कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम अपनी लैंग्वेज में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।